गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी जीके बुक है जिसका नाम है द न्यू जीके मैराथन, क्लास 6 की है ये। इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए। Being a member of society, we need to adopt good behavior and etiquettes so as to develop a clean and happy society. हमें पता है, हम सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहने और उसका एक जिम्मेदार मेंबर होने के कारण ये हमारी हमारी वैल्यू, मतलब हमारा दायित्व या कर्तव्य हो जाता है कि हमें अपनी सोसाइटी को क्लीन और हैप्पी सोसाइटी रखनी है ना। तो इसके लिए कुछ एटिकेट्स ज़रूरी हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए, तो उनको हम बेसिक शिष्टाचार बोलेंगे। तो जैसे प्रैक्टिस बेसिक कर्टसी, से प्लीज़ एंड थैंक यू व्हेन रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, शिष्टाचार होते हैं, जैसे कि हमें किसी भी से भी कुछ काम करवाना है या कुछ चाहिए तो हम क्या बोलना चाहिए, हमें प्लीज़, और जब हमारा काम हो जाए तो उस टाइम हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। इनको हम मैजिकल वर्ड्स भी बोलते हैं। सेकंड, स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन। सभी से कैसे बात करना चाहिए, र्यूडली तो बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही है तो भी हमें उसे प्यार से ही या विनम्रतापूर्वक ही बोलना चाहिए, तो सबसे हमको पोलाइटली बोलना चाहिए। फिर अगर किसी रोड पर सब लोग घेर के बहुत सारे लोग खड़े हैं और हमें उनको क्रॉस करके आगे जाना है तो उनको धक्का देते हुए तो जाएंगे नहीं, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही हम एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है कि हमें यहाँ से इसको रास्ता देना है ना, और हमारा काम भी हो जाता है। फिर होता है वेलकम गेस्ट हु आर कमिंग टू योर होम विथ प्रॉपर ग्रीटिंग वर्ड्स। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो उसे हमें अच्छे से वेलकम करना चाहिए खुश होकर के, और जिस रिश्ते में सपोज़ चाचा आए हैं, चाची आई हैं, मामा हैं, तो जो भी प्रॉपर आपके पास ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, नमस्ते बोलना है, प्रणाम बोलना है ना, जो भी आपके ये ग्रीटिंग वर्ड्स हैं उनको बोल करके हमें उनका वेलकम करना चाहिए। फिर डोंट च्यू विद ओपन माउथ। हमें जब हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम मुंह खुला करके खाने को चबाना नहीं चाहिए, इट्स वेरी बैड हैबिट, ये अच्छी हैबिट नहीं होती। हमेशा हमें मुंह बंद करके ही खाने को चबाना चाहिए, चबाकर खाना चाहिए। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। हमें सपोज़ दूसरे ने कुछ गलती से गलत कर दिया या उससे मिस्टेक हो गई या कुछ गलती हो गई, तो हमें कभी भी दूसरे का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बुरी बैड हैबिट होती है। क्योंकि हमारा कोई मजाक बनाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसी तरह दूसरे का भी हमें बिल्कुल मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो वो इन बेसिक कर्टसी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को डेवलप करेंगे और हमारी सोसाइटी बहुत हैप्पी रहेगी, क्योंकि वहाँ फिर लड़ाई झगड़े का कोई जगह ही नहीं रहेगी और सब लोग एक दूसरे से प्यार के साथ रहेंगे। तो ये आप लोग इसको दोबारा रीड करके और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपनी हैबिट में इसको, इन मैजिकल वर्ड्स को आप अडॉप्ट करिएगा।